रथ आ गया। बोले, घोड़ों को हटाओ, तुम और रुक्मणी दोनों घोड़ों की जगह झुक जाओ और मुझे चाबुक दो और तुम रथ खींचो। अब बाबा साहब रथ पर बैठे हैं और श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से गली गलियारे में रथ खिंचवा रहे हैं। लोगों में हाहाकार मच गया कि रुक्मणी कृष्ण की यह दुर्दशा कर दी दुर्वासा जी ने। फिर किसी चौराहे पर दुर्वासा जी ने रथ खड़ा करवा दिया। कृष्ण बोले, गुरुजी अब क्या आज्ञा है, आपको क्या चाहिए? दुर्वासा जी, मेरे को जो चाहिए था सब मिल गया, अब तू मांग ले कृष्ण, क्या चाहिए? देखो, जीवात्मा के पास परमात्मा को भी वरदान देने की ताकत है। कृष्ण बोले, गुरुजी आप संत मेरे पर प्रसन्न रहो बस। दुर्वासा बोले, मैं तो प्रसन्न रहूंगा, लेकिन जो तेरा नाम लेगा, तेरी कथा करेगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। लाला तू ऐसा प्यारा रहेगा, लेकिन देख पूरे शरीर पर जूठी खीर मल ली सो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन पैरों के तलवे पर खीर नहीं मली, पैरों के तलवे पर